देखिए जिस प्रकार की कल घटना हुई है, हमारे 5 जवान जो है वो घायल हुए, उसके बाद एक जवान जो है उनमें एक शहीद हो गया। मैं सबसे पहले उस शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उस सैनिक को अपने चरणों में स्थान दे, उसके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और जो 5-4 जवान उसके साथ जो है वो घायल हैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करके उनको फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए भगवान जो है वो आशीर्वाद उनको दे। जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा लगातार पीर पंजाल इलाके के अंदर आतंकवादियों को भेजकर इसको फिर से आतंकवादी ग्रस्त क्षेत्र करना चाहता है, यहाँ इस इलाके को दहलाना चाहता है, हमारी सेना पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस लगातार उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रही है। लेकिन इसके साथ ही आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जितने आतंकवादी हैं इनको कोई ना कोई सपोर्ट जो है वो लोकल लेवल पे मिल रही है, कोई ना कोई इनको रहने खाने पीने का सहयोग जो है वो दे रहा है। सबसे पहले हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को उनको ढूंढ कर बीच चौराहे के अंदर गोली मारने का काम करना चाहिए या उनको जेल के सलाखों के पीछे छड़ने के लिए डाल देना चाहिए। लगातार पाकिस्तान इस प्रकार की हिमाकतें कर रहा है, लगातार पीर पंजाल के अंदर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। हर बार हम प्रदर्शन करते हैं, सरकार को चेताने का काम करते हैं कि पाकिस्तान को अब होश में लाने का काम करे और सरकार भी होश में आए और इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे। सभी को मालूम है कि पाकिस्तान आतंकवाद की मशीन है, जितने पाकिस्तान के आतंकियों का ट्रांजिट कैंप है, जितने आतंकी अड्डे हैं, सबके सब जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो क्यों नहीं हमारी सेना को आदेश दिया जाता, क्यों नहीं हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस को आदेश दिया जाता कि वो अंदर घुसकर इस पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर लाहौर के अंदर तिरंगा बनाने का काम जो है हमारी सेना करे। क्यों ऐसे आदेश नहीं दिए जाते? कब तक हम इसी प्रकार से अपने सैनिक जो है वो खोते रहेंगे? कब तक हम इसी प्रकार से शहादतों के ऊपर जो है वो श्रद्धांजलियां देते रहेंगे? अब सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान को जो है खत्म करने का काम करे। पाकिस्तान हाय हाय, 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 पाकिस्तान हाय पाकिस्तान हाय हाय, 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 अध्यक्ष हैं और उनसे बात करेंगे कि ये जोरदार प्रदर्शन और खासकर आतंकी हमले और एलओसी किसे घुसपैठ कर ऐसा कार्य करते हैं और हमारा बड़ा नुकसान करते हैं, क्या कहें? अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस जवान को अपने चरणों में स्थान दे भगवान और उसके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। लगातार पीर पंजाल को पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी भेजकर इसको लहूलुहान करने की कोशिश, लगातार यहाँ पर आतंकवाद जिंदा करने की कोशिश ये पाकिस्तान कर रहा है और लगातार चेतावनी जो है वो सरकार की तरफ से उसको दी जा रही है। और हम जब जब अभी तक पीर पंजाल के अंदर ये 22 से 23 जवान जो है वो हमने खोए हैं और जब जब आतंकी हमला हुआ
हमने सरकार को चेताने की कोशिश की, सरकार से आग्रह किया कि सरकार इस पाकिस्तान के ऊपर कड़ा रुख अपनाए, इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है वो करे। हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार पीर पंजाल इलाके के अंदर इन आतंकवादियों को नाको चनक चबा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ लोकल, मुझे लगता है कि ये जो आतंकी हैं, ये बिना किसी की मदद के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। तो जो लोग इनको सहयोग कर रहे हैं, जो लोग इनको धन मुहैया करवा रहे हैं, जो लोग इनको स्थान मुहैया करवा रहे हैं, इन लोगों को जो है सबसे पहले उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इन आतंकवादियों को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे रखने की जरूरत नहीं, बीच चौराहे में जिंदा जलाने का काम जब सरकार करेगी तो तब जाके पाकिस्तान के होश ठिकाने आएंगे। और हम एक मांग और सरकार से करना चाहते हैं कि सरकार हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आदेश दे कि पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ करके पाकिस्तान के लाहौर के अंदर तिरंगा बनाने का काम जो है वो हमारी सेना करे, क्योंकि अभी समय है। पाकिस्तान अब भीख मंगा हो चुका है, पूरे विश्व के अंदर कटोरा लेके घूम रहा है, पूरे विश्व के अंदर उसको भीख भी कोई नहीं दे रहा, और उसके बावजूद चाइना के सहयोग से लगातार वो आतंकवादी घटनाएं वो भारत के अंदर करवाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि जल्द से जल्द इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करें, और जो चार जवान इसके साथ जो हमारे इंजर्ड हुए हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वह स्वस्थ होकर फिर से अपनी देश की रक्षा के लिए जो है वो फिर से आकर इन मैदानों के अंदर डटे। उन्हीं की वजह से, उनकी इन देशभक्ति की वजह से, उनके इन काम की वजह से आज हम जो है इस ऐसे इलाकों के अंदर जो है खुले दिल से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्योंकि हमारे सैनिक एक दीवार बनकर बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। तो जिस तरह से लगातार हमारे